नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं ओपन बुक एग्जाम जो कि निबोस जनरल सर्टिफिकेट का होता है, ये कैसे देना चाहिए ताकि अच्छे नंबर आ पाएँ, और इसका सही तरीका क्या है, एग्जाम के पहले क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, और एग्जाम के दिन कैसे लिखें, क्या टेक्निक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो लोग भी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या जो देने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम, वो इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि उनका नॉलेज बढ़े और वो लोग अच्छा से अच्छा पेपर को लिख पाएँ, और जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे गाइड टू द निबोस जनरल सर्टिफिकेट ओपन एग्जाम जो कि RRC बुक के द्वारा RRC इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जिसके द्वारा ये दिया गया है, ये कैसे एग्जाम करे वो लोग खुद बनाए हैं। तो मैं उसी गाइड को एक बार अपना एक्सपीरियंस ऐड करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निबोस ओपन बुक एग्ज़ाम आजकल पूरा किताब खोल के आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि जो सिलेबस होता है उसके अनुसार बहुत ही टफ हो जाता है उसको पास होना, क्योंकि जिस तरह से बुक में लिखा है, बुक में क्या है, जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ हर एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है। बट जब सिनेरियो से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो पता नहीं होता कि कैसे उसको लिखना है, यानी कि हम जो स्टडी किया उसको कैसे अप्लाई करना है। सॉरी तो पता नहीं होने के चलते सही से कोई आदमी लिख नहीं पाता है, जिसके चलते उसको सही नंबर नहीं मिल पाता है, और लिखता भी है तो मतलब कि प्रॉपर नहीं लिख पाता है, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, जिससे कि नंबर कम आते हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन का, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले पूरा सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस से बाहर जनरली नहीं पूछा जाता है, सिलेबस के ही अराउंड सारा सिनेरियो से भी क्वेश्चन रहता है, और निबोस उसके बाहर एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। बट हम लोग उसमें जो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, बट हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन लिए हैं। इसके लिए रेफरेंस बॉक्स भी दिया हुआ है। तो मैं बोलूँगा आप अगर एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं ओपन बुक एग्ज़ाम, तो आपको सबसे पहले वो सारा का सारा बुक जो है वो पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ के एक नोट्स बना लेना चाहिए। नोट्स मतलब क्या कि आपको पता हो कि कौन सा चीज़ कहाँ है। तो अगर ये पता हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम के दिन में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा आप एक नोट टाइप का बना लें, और उसके रिगार्डिंग कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन है, कौन से वेबसाइट्स पे है, जैसे HSC.UK है, वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ILO है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ऐसे करके सेफ वर्क के लिए ऑस्ट्रेलिया है, USA है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइटों का एक लिस्ट बना लें ताकि कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये सब अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करके रखते हैं ना, तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम के दिन अगर कुछ सिनेरियो जो है ऐसा लग रहा है कि बुक से मैच नहीं हो रहा है, तो हम उसको गूगल सर्च करके एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेके और हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं, और हम रेफरेंस बॉक्स में भी उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और जिससे हमें एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें पहले सबसे पहले क्या है कि पूरा पूरा जो है हमें नॉलेज लेना है, कंटेंट को समझना है। जैसे हाइट वर्क है तो हाइट वर्क में क्या क्या हैजार्ड है, प्रिकॉशन है, वो हमें समझ लेना है। अब सिनेरियोस में इसको हम फिट बैठाएंगे और तब जाके हमारा आंसर सही होगा, बट हमें फिट बैठाने तो आना चाहिए ना, और हमें नॉलेज भी तो होना चाहिए ताकि हमको क्या हर एक पॉइंट में क्या क्या वहाँ पे देना है, हर एक पॉइंट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे पुट करेंगे। तो हमें कंटेंट का भी नॉलेज चाहिए और सिनेरियोस को मैच करने का भी आना चाहिए। उसके बाद जो है आप नोट्स, तो मैंने बता दिया कि आपको एक नोट्स बना लेना है ताकि आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर में क्या है, यानी कि वर्क एटाइट में क्या क्या है। इस तरह से आपको पूरा सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि हमको इस एलिमेंट में ये चीज़ मिलेगा। जैसे अगर हाउसकीपिंग की बात करें तो कहाँ मिलेगा, अगर केमिकल सेफ्टी की बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा, अगर हमको इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो कहाँ कौन से एलिमेंट में मिलेगा। तो वो क्या है, जनरल कंटेंट है, वो सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। और आप चाहें तो और भी बहुत सारे चीज़ जैसे ड्राइंग मैप, आप वेब सर्च का लिंक वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, जो वेबसाइट का लिंक होता है ना उसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में फटाफट उसको यूज़ करें। और ये चूँकि वर्ल्ड एग्जाम जो है वर्ल्ड में हो रहा है, तो आपको MS Word भी आना चाहिए, क्योंकि MS Word नहीं आएगा तो आप कैसे टाइपिंग करेंगे, और थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड भी होना है। जनरली ये 24 आवर के एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम मेरा मानना है कि 4 से 5 घंटे में आप एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, मतलब अगर आप सब
सब कुछ आ रहा है तब, और तो 4-5 घंटे में लिख सकते हैं, इसका मतलब अगर 24 घंटा है मतलब कि सफिशियंट टाइम है आप अच्छे से टाइपिंग करके, और 3000 वर्ड लिखना होता है तो 3000 तो आप तो लिख देंगे। लेकिन आपको लिखना ही बड़ी बात नहीं है, उसका मतलब कि एकदम क्या पूछ रहा है वो चीज़ें वहाँ रिलेवेंट देना पड़ेगा, तभी जाके आपका हो पाएगा। तो इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह का माइंड मैप भी आप बना सकते हैं। ये RRC पब्लिकेशन ने कुछ बताए हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह के माइंड मैप जो है आदमी पहले से, आदमी क्या है खुद का नोट्स बना हुआ होता है ना तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। तो खुद का एक नोट्स बना लेना तो हमें लगता है कि एग्जाम के दिन उसको ज़्यादा भाग दौड़ करने, कौन सा कंटेंट कहाँ मिलेगा, कैसे लिखे, कौन कौन से पॉइंट, कोई पॉइंट छूट तो ना जा नहीं रहा, तो एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये माइंड मैप जो है एक कर ले आदमी, और उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करता रहे एग्जाम के पहले, रिवाइज करता रहे, पता चले कि कौन पॉइंट्स कहाँ हैं। और रिवाइज के लिए चाहे तो अपना नोट्स जो है आपने जो माइंड मैप बनाया है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जैसे RRC पब्लिकेशन का अगर बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो कंटेंट है उसको एक बार देखते रहें, अपने आप को पूछते रहें क्या हमको ये चीज़ आता है। जैसे वहाँ पे लिखा है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, तो अपने आप को पूछिए मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर क्या है, कहाँ आएगा, इसके कंट्रोल मेजर क्या है। तो मतलब कि एक माइंड में आपका कंसेप्ट बना रहना चाहिए। तो सिलेबस गाइड, उसके बाद जो है एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, जैसे सेटिंग अप फॉर द एग्ज़ाम, सॉरी एग्ज़ाम के मतलब कि जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला उसके पहले आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो टाइपिंग करना है तो कंप्यूटर या लैपटॉप तो आपके पास एक होना है, लाइटिंग प्रॉपर मतलब चार्ज हो ऐसा होना है, मोबाइल में अगर टाइपिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है लेकिन मैं मानता हूँ कि उतना बेहतर नहीं रहता है वो। और उसके बाद आप एक दिन पहले थोड़ा सा सो ले बढ़िया से, कंफर्टेबल हो जाए ताकि आपको उस दिन परेशानी ना हो, थोड़ा खाना भी लाइट खाएं ताकि कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो उस दिन, ताकि आपको कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। उसके बाद जो है स्टडी मटेरियल वगैरह को सब संभाल के पूरी तरह से आप एक बार रख लीजिए ताकि आपको उस दिन ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। उसके बाद जो है वहाँ पे जिस दिन एग्ज़ाम हो अपने फ्रेंड वगैरह को बोल दीजिए भाई कॉल मत करना, आज के दिन एग्ज़ाम है मेरा और कोई बुलाने नहीं आए, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आए, तो ज़्यादा अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह को स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिए, जैसे कि कुछ स्वीट्स खाते हैं तो कुछ नमकीन, कुछ वाटर बॉटल वगैरह रख लीजिए ताकि ये चीज़ के लिए बार बार बाहर ना जाना पड़े और आपको इजी हो, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाए और आप अच्छे से कंप्यूटर वगैरह को फुली चार्ज कर लीजिए, लैपटॉप है तो फुली चार्ज कर लीजिए, अगर कंप्यूटर है तो इंश्योर करिए उस दिन पावर रहेगा, नहीं तो अचानक से उस दिन पावर फेल्योर हो गया तो वो भी एक इशू है। उसके बाद जो है अगर आप अपने घर पे एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो चार्जिंग पॉइंट, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है, क्योंकि अपलोड भी तो करना पड़ेगा एग्ज़ाम ना, तो कई बार क्या होता है अपलोड ही नहीं होता है लास्ट समय में, तो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी ठीक ठाक देख लीजिए, और लाइटिंग वगैरह जो है वहाँ पे हो ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन कोई प्रॉब्लम ना हो, और रूम थोड़ा शांत हो ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद व्हाट टू डू ऑन द डे, एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करेंगे, टाइम को यूटिलाइज प्रॉपर करना है, यानी कि मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसी के अनुसार टाइम एलोकेट कर लेना है। तो सबसे पहले आप सिनेरियो को मैं बोलूँगा कि जैसे ही सिनेरियो आता है एक प्रिंट ले लीजिए, और प्रिंट लेने के बाद उसको अच्छे से पढ़िए, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना समय दे सकते हैं स्टार्टिंग में पढ़ने में वो आप उस सिनेरियो को दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आपको सिनेरियो समझने में गलती हो गई ना तो फिर बाद में आंसर भी गलत होगा, और आंसर गलत होना मतलब फिर से चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं बोलूँगा आप स्टार्टिंग में घबराइए मत कि 4 घंटे बीत गए और मैंने कुछ नहीं लिखा, आप 4 घंटे आराम से दीजिए, मतलब 2 से 4 घंटे तो दे दीजिए उसको, 2 घंटा तो मिनिमम दीजिए हमको लगता है सिनेरियो को पढ़ने में, उसके क्या हर एक क्वेश्चन के क्या आउटलाइन होंगे वो तो लिख लीजिए, माने क्या क्या पूछ रहा है, और उसमें मार्क कर दीजिए उसका, एक चाहे तो माइंड मैप बना दीजिए कि मेरा रोल क्या है, वहाँ पे कितने वर्कर हैं, वहाँ पे किस तरह का खतरा है, और हर एक चीज़ को वहाँ पे एक मार्क कर दीजिए। आप मार्क करेंगे ना तो आपके माइंड में मार्क होगा, और मैं प्रिंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मान लीजिए कि प्रिंट करने में क्या है ना वो इजीली एक्सेसिबल होता है, वहाँ फटाक से लिया पेपर, उसमें देख लिया क्या क्या लिखना है, और हम वहीं पर साइड में लिख भी रहे हैं, वहाँ मार्क भी कर रहे हैं, अपना मार्क किया होना ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो मैं बोलूँगा एक अच्छे से उसको हाईलाइटर से चाहे पेंसिल से, पेन तो यूज नहीं करिए, मैं बोलूँगा पेंसिल यूज़ करिए, उसको मार्क करिए जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ये की वर्ड्स हैं,
और फिर जो है जब सिनेरियो को समझ गए तो एक बार आँख बंद करके समझिए कि मैंने क्या पढ़ा, किस तरह का सिनेरियो, एक सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए उस तरह का अपने दिमाग में, और जब क्रिएट हो जाए तो फिर क्वेश्चन पढ़िए। और पढ़ने के बाद जैसे पूछा कि मान लीजिए कि वहाँ कौन कौन से पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के इंडिकेटर थे, तो पूरे सिनेरियो में आपने तो पढ़ा है एक बार, अब उसमें से निकाल के एक अलग जगह लिख लीजिए, केवल पॉइंट लिख लीजिए कि वहाँ पे पॉलिसी था, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा था, वहाँ पे मैनेजर जो है कमिटेड था, वो भी मतलब वो विजिबल लीडरशिप दिखा रहा था, ऐसे करके उसमें से निकाल लीजिए पॉइंट। अब ये जो आउटलाइन आपने कर दिया ना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को आउटलाइन करके रखिए, और तब इन आउटलाइन को लेके कि हमें ये सारे पॉइंट इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में, और तब इसको बढ़िया से पैराग्राफ दे के बढ़िया से लिखिए हर एक को, ताकि जो है एग्जामिनर को समझ में आए। और जनरल आंसर नहीं देना है, आपके सिनेरियो से ही देना है कि एज पर सिनेरियो मैनेजर जो है ये काम कर रहा था, इससे लग रहा था कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है, ऐसे करके लिखिए, ताकि सिनेरियो से ही मतलब कि हमेशा लगे कि आप सिनेरियो से चिपके हुए हैं। जैसे ही आप जनरल आंसर देंगे ना सिनेरियो से आउट जाएंगे, फिर एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा और फिर आपको पूरा पूरा वर्ड भी लिखेंगे फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा, तो सिनेरियो से चिपके रहिएगा और पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिएगा। तो मैं नहीं बोला 100 आ जाएगा, लेकिन इतना तो आ जाएगा जितना कि आप पास कर पाएँ अगर सिनेरियो से चिपके रहेंगे तब, अदरवाइज पूरा लिखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पास कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि 3000 वर्ड रहता है, जैसे कि मान लें 100 मार्क्स से क्या रहता है, पूरा क्वेश्चन रहता है, तो एक मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड हुआ है ना, तो 10 मार्क्स के लिए आपको 300 लिखना है। लेकिन क्या है, 10% प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, यानी ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, आप और भी कम लिख सकते हैं, बट वो क्या होगा, सफिशियंट आंसर नहीं होगा, मतलब कि पूरा पूरा आपने आंसर नहीं दिया, फिर उसमें नंबर भी कटेंगे आपके। तो 300 जो है मतलब कि प्लस माइनस है, यानी कि 2700 से लेके और 3300 तक भी आप जा सकते हैं। तो इस बीच में आप थोड़ा सा लिखिए ताकि आपका नंबर पूरा पूरा आ सके। और एग्ज़ाम के दौरान किसी से पूछे नहीं, ये तो रिस्ट्रिक्शन है कि आपको किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं और सिमिलर आंसर मैच हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए चोरी वगैरह तो नहीं करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आप इसको फ्यूचर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं सेफ्टी को। तो मैं बोलूँगा कि आप पूरा नॉलेज लेके ही पढ़ें और अच्छे से पास हो, ताकि आपको आने वाले समय में ये काम करे आपके लिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद जो है एक मैं सैंपल आंसर आपको बताता हूँ, जो कि ये RRC पब्लिकेशन ने ही बनाया है, कि एक एग्जांपल सिनेरियो और उसका आंसर दिखाता हूँ। ये क्या होगा, थोड़ा आंसर देखने से आपको एक माइंड में सेट हो जाएगा कि हमारा आंसर कैसे होना चाहिए और क्या हम गलती करते हैं। तो एक सिनेरियो ये है, एग्जांपल सिनेरियो यहाँ पे बता रहा हूँ, कि आप एक न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, है ना, और वहाँ पे एक फ्लीट ऑफ 6 रिफ्यूज कलेक्शन व्हीकल है, मैंने कचरा उठाने वाला 6 गाड़ी है वहाँ पे, और 50 टीम मेंबर्स हैं, 50 लोग हैं उसमें काम करने वाले, है ना। तो क्या होता है कि वन ऑफ द एम्प्लॉई, ए ड्राइवर ऑफ वन ऑफ द व्हीकल हैज़ रिपोर्टेड माइनर इंसिडेंट, एक एम्प्लॉई जो ड्राइवर है कि वो एक माइनर इंसिडेंट रिपोर्ट करता है कि रिवर्स करने के टाइम में वो दूसरी गाड़ी से एक गाड़ी लड़ गया, मतलब कि कार पार्क में एक क्या हो गया, स्ट्रक हो गया, मतलब कि गाड़ी लड़ गई। अब क्या हुआ, ये तो हुआ, उसके बाद जो है ये सिनेरियो समझ लीजिए, एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे और हमें लगता है कि अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट देगा। तो वर्कर वाज एडवाइज टू मोर केयरफुल, सॉरी, द वर्कर हैज रिपोर्टेड द इंसिडेंट को रिपोर्ट किया किसको, सीन मैनेजर को, स्ट्रीट सीन मैनेजर को उसने रिपोर्ट किया, और मैनेजर ने इसको मिनिमल इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब कि अकेले कर लिया होगा, मिनिमल तो कम ही होता है, ज़्यादा टीम नहीं होता है। आप पढ़िएगा, ये आपको IGC 1 में दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन कितना बड़ा होता है। तो दैट ऑपरेटर वाज ब्लेम बिकॉज इनसफिशियंट अटेंशन वाज पेड, अब ऑपरेटर को इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया कि ऑपरेटर जो है गलती किया, उसने अटेंशन नहीं दिया, नहीं तो गाड़ी नहीं लड़ता, वाज पेड अटेंशन एंड व्हीकल वाज रिवर्सिंग, जब गाड़ी पीछे हो रही थी तो ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, से लड़ गया, ये इन्वेस्टिगेशन में आया, मतलब ये आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब क्या है कि द वर्कर वाज एडवाइज टू मोर केयरफुल इन फ्यूचर डिसिप्लिनरी एक्शन वुड बी टेकन, ये एडवाइस दिया गया कि वर्कर को जो वहाँ पे है ऑपरेटर जो है उसको सही से काम करना है, अदरवाइज जो है डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, फ्यूचर में आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है। अब आगे क्या होता है कि एट द नेक्स्ट हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी,
जब कमिटी मीटिंग बैठती है तो उसमें जो है उसका जो उसका इंसिडेंट स्टेटिस को डिस्कस किया जाता है, माने कौन कौन सी घटना कहाँ कहाँ हुई उसको लेकर डिस्कशन होता है, और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन दैट हैव टेकन प्लेस सम ऑफ द कमिटी मेंबर, कुछ कमिटी मेंबर्स जो हैं, मतलब कि ज़्यादातर वर्कर के जो मेंबर्स हैं, कमिटी मेंबर होते हैं, वो डिसक्रेडिट करते हैं, यानी कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ, इसको फिर से करना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे आपको जो है हाउ वुड यू कन्विंस द अदर कमिटी मेंबर टू री ओपन द इन्वेस्टिगेशन। अब वहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर है वहाँ पे, है ना, नया आपको अपॉइंट किया गया, कैसे कन्विंस करेंगे कि इसको फिर से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ है, इसको फिर से री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया, कितने नंबर का, 10 नंबर का। 10 नंबर मतलब इसको देना है 300 के प्लस माइनस देना है, यानी कि या तो अगर 300 का 10% देखें तो ये 330 से 270 के बीच में होगा। ये सिंपल फंडा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने का मतलब कि अब क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करना है आंसर में, क्योंकि अगर हमें सब कुछ पता नहीं होगा ना तो हम लिखते जाएंगे बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा, और इसी से तो नंबर कटता है। आपको पूरा लिखने के बाद भी नंबर, दो नंबर मिले, एक नंबर मिले, तीन नंबर मिले, यानी 10 में 3 मिला तो आप पास तो नहीं हो पाएंगे ना, मिनिमम तो 5 लाएंगे, तभी तो 45 तो होता है पासिंग मार्क ना। तो अब आपको यहाँ पे सिनेरियो आपने पढ़ा, और आपने अब कुछ अपना ये नॉलेज कहाँ से अप्लाई करेंगे आप, तो अब अपने बुक जो पढ़ा है वहाँ से देखेंगे कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो है उसमें क्या क्या उसका फ़ायदे हैं, कैसे कैसे उसको मतलब कि उसको आपको क्या करना है कन्विंस करने के लिए, कैसे मोरली, लीगली, फाइनेंशियली, ये सारी चीज़ें तो बात करेंगे ना, उसका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में फ़ायदा, रूट कॉज निकालने का तरीका, ये सब तो बताएंगे, तभी तो कन्विंस होगा ना कमिटी। तो अब हमको कन्विंस करना है, तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आप एक एंसर प्लान बनाएंगे, है ना, एंसर प्लान बनाएंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, अब हम वहाँ पे ये लिखेंगे क्या पर्पस होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का, ये आप बताएंगे उसमें, क्योंकि जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक आप उसको रीओपन करने की बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसके इमीडिएट कॉजेज के बारे में बताएंगे क्या क्या होते हैं, अंडरलाइन कॉजेज और रूट कॉजेज के बारे में वहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद जो है एग्जाम्पल ऑफ इमीडिएट और अंडरलाइन कॉजेज के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल देके, है ना। उसके बाद हाउ टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि फर्दर जो है रूट कॉज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5Y एनालिसिस वगैरह को हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद परसुएसिव रीजन टू रीओपन द इन्वेस्टिगेशन, और क्यों रीओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किए तो क्या होगा, फिर से एक्सीडेंट होगा। तो इसके लिए मोरली, एज ए ह्यूमन हमको पसंद नहीं होगा किसी को हमारे ऑपरेटर की जान चली जाए, और लीगली यानी कि कुछ एक्सीडेंट होता है तो हमारे ऊपर एक्शन भी हो सकता है, और फाइनेंशियली, इन सब तीनों को बारे में बताएंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देंगे, यानी कि फाइन लगेगा, इतने फाइन लग सकते हैं, है ना, इन्फोर्समेंट एक्शन, यानी कि ये सब हो सकता है। तो इस तरह से हम एक माइंड मैप करेंगे, आंसर प्लान बना देंगे, और जैसे ही आंसर प्लान बनाएंगे ना तो अब ये हमारा 10 मार्क्स के लिए रेडी है। अगर इसमें से एक पॉइंट छोड़ देते हैं ना, तो मान लीजिए 50% पॉइंट छोड़ दिया तो 50% ही नंबर मिलेगा आपको। तो अब आइए देखते हैं इसका आंसर, ये सजेस्टेड आंसर है, यानी कि हर आदमी के अनुसार चेंज होगा, बट ये एक आइडियल आंसर है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि इसमें पहले बताया गया है किसके बारे में, कि द कमिटी मेंबर में हैव डिटेल और नो एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट, जो कमिटी मेंबर है उसके पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई वुड एडवाइज देम दैट इमीडिएट कॉज ऑफ इंसिडेंट वुड बी द अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन दैट लीड टू द रिवर्सिंग व्हीकल स्ट्राइक द अदर व्हीकल और द मीडियम और हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड व्हाई दिस हैपेंड। ये जहाँ पे जो इसका पहले जो मैनेजर ने किया है वो क्या किया, इमीडिएट कॉज बताया, जबकि यहाँ पे क्या बताना है, तो इसके रूट कॉज पे जाना है रोकने के लिए, जो कि एक मीडियम लेवल, वहाँ पे मिनिमम लेवल किया गया है, जबकि वहाँ पे मीडियम या हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, ऐसा आप आर्गुमेंट दे रहे हैं फिर से उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके बाद जो है कमिटी कुड बी गिवेन एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ एक्ट एंड कंसीवर दैट मीडियम और हाई इन्वेस्टिगेशन में हैव रिवेल डैमेज टू व्हीकल माइ, इस तरह से देख रहे हैं ना, यहाँ पे 5Y एनालिसिस के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे रूट कॉजेस के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पे
एक्सीडेंट होने से क्या मोरली लीगली और फाइनेंशियली क्या लॉसेस हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी कि देखिए लास्ट में क्या लिखा गया कि विदाउट ए क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ इंसिडेंट कॉरेक्शन एक्शन टू प्रिवेंट रीअकरेंस वुड नॉट बी टेकन। आई कुड गो फर्दर एंड एक्सप्लेन दैट पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फाइंड समवन टू ब्लेम बट टू प्रिवेंट रीअकरेंस, है ना, एंड दिस कांट बी अचीव्ड विदाउट द फुल कमिटमेंट ऑफ एवरी वन इन अ स्ट्रीट सीन। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे, और सॉरी जो मोरली लीगली और फाइनेंशियली यहाँ पे बात किया गया है, यानी कि आई वुड एडवाइज दैट रूट कॉजेज मे बी ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर, है ना, जॉब रिलेटेड मैटर और पर्सनल फैक्टर। वी मे इवन फाइंड दैट वी हैव नॉट कंप्लाइड विद द लेजिस्लेशन ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल और लैक ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ वर्क। आई वुड ऑल्सो एडवाइज कमिटी मेंबर दैट मॉनिटरिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वॉज ए लीगल ड्यूटी, है ना, दैट रिक्वायर्ड ए मोर कम्प्लीट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ वाई वाई एनालिसिस के बारे में दिया गया है, तो ये एक सफिशियंट आंसर है जो कि देने से पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इनसफिशियंट आंसर का, तो इसमें कोई कोई लिखेगा जैसे कि वहाँ पे गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग रिस्क कंट्रोल, द एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो कुछ लोग इस तरह से आंसर देंगे उसके, जो है यहाँ पे देख रहे हैं बुलेट पॉइंट में देंगे, जो कि इनएडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस, पुअर हाउसकीपिंग, ऑपरेटर एरर, इस तरह का देंगे। तो ये सब पॉइंट जो है मतलब पूरी तरह से आपको सिनेरियो समझ में आया ये नहीं बताता है, तो मैं बोलूँगा बुलेट पॉइंट में आंसर नहीं दीजिए, कम से कम 2-3 लाइन में अच्छे से लिखिए समझा के एज पर सिनेरियो, क्योंकि वैसा नहीं लिखेंगे ना तो अगले को समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, और जब वो आप एग्जामिनर जो है आपके समझ को नहीं पहचान पाएगा ना, तो हमें लगता है आपको मार्क्स भी नहीं देगा। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा एक अच्छा प्लान बनाएंगे और लिखेंगे, मैंने आउटलाइन ज़रूर करिए कि लिखना क्या है अंदर में, इस तरह से आपको एक अच्छा नंबर मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।